हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक कॉग्नेटिव एंड साइकोमोटर स्किल्स क्या होता है ये क्यों एजेंशियल है पायलट्स के लिए और आप इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हो आज मैं इसी टॉपिक को कवर करूंगा जो शायद आपके काम आ सकता है तो आइए देखते हैं तो कॉग्नेटिव एंड साइकोमोटर स्किल्स इन जनरल लर्निंग प्रोसेस का ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमे काग्नेटिव का मतलब है शन रीजनिंग like भी आप मेंटल लेवल पे प्रोसेस करते हो डिफरेंट सिशन के अकॉर्डिंग एंड साइकोमोटर का मतलब है फिजिकल स्किल जिसमें आपका मसल मूवमेंट इन्वॉल्व होता है और जिसे बोल सकते हैं मोशन डिराइव्ड स्किल एंड ये दोनों स्किल आपस में क्लोजली लिंक्ड हैं लाइक अ क्लोज लूप सिस्टम क्योंकि किसी भी तरह के फिजिकल एक्टिविटी एग्जीक्यूशन का कमांड आपको मेंटल प्रोसेसिंग से ही मिलता है दैट इज फ्रॉम योर ब्रेन एंड आपने शायद ऑब्जर्व किया है कि नहीं मुझे नहीं पता बट ये दोनों स्किल ईच एंड एवरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है बाई डिफॉल्ट राइट फ्रॉम द डे यू बॉर्न टू टिल नाउ

बट स्टिल इसके बावजूद पायलट्स को कंटिन्यूअसली इंस्ट्रूमेंट स्कैन करना होता है सभी सिस्टम्स को मॉनिटर करना पड़ता है थ्रू आउट जर्नी लॉट ऑफ जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग तो इन सभी टास्क में यही स्किल काम आता है एंड आपको हमेशा अवेयर रहना है कॉकपिट में कि एयरक्राफ्ट एक्चुअली में कर क्या रहा है क्यों कर रहा है और अगर नहीं कर रहा है तो उसके लिए आपको क्या एक्शन लेना है क्योंकि ऑटो पायलट भी एक लिमिट तक ही हेल्प कर सकता है आपको अगर फ्लाइट पैरामीटर्स उसके कंट्रोल रेंज से बाहर हो जाते हैं तो किसी भी वक्त वो कंट्रोल वापस वर्ड कर सकता है आपको इसीलिए आपको हमेशा वन स्टेप अहेड रहना है एयरक्राफ्ट नेक्स्ट मूव से एंड एयरलाइंस भी यही स्किल चेक करती हैं ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसेस एंड इवन आफ्टर गेटिंग जॉब आपका रिकरेंट ट्रेनिंग एग्जाम्स एंड चेक्स होता ही रहता है लाइफ लॉन्ग ताकि आप अप टू डेट रहो किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रैक्टिकली आप खुद को कैसे ट्रेन कर सकते हो इन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए क्योंकि सिर्फ ये दो टर्म नहीं है इसके अंदर बहुत सारे डोमेन आ जाते हैं जिसे मास्टर करने के लिए आपको इंडिविजुअली या कम्बाइंड वे में हिट करना हो गा इसमें फर्स्ट पॉइंट है रीडिंग दैट इज रीडिंग एनी आर्टिकल बुक न्यूज पेपर नॉवेल और एनीथिंग जिसमें आपका इंटरेस्ट हो या ना हो तो भी चलेगा लेकिन जब भी आप कुछ कंटेंट कंज्यूम करते हो तो एट द एंड उसे समराइज करने की कोशिश किया करो कि एक्चुअल में सामने वाला पर्सन कहना क्या चाह रहा है किस बारे में बात हो रही है और मेन की पॉइंट क्या है जो याद रखने लायक है इस हैबिट से मेनली आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल इम्प्रूव होता है जो पायलट ट्रेनिंग एंड प्रोफेशन में आपको काम आएगा क्योंकि फ्लाइंग में आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स फॉलो करना होता है बिल्कुल एज इट इज ऐसा हैंडबुक में मैंशनड है एंड सेम यही हैबिट आप कोई पॉडकास्ट सुन रहे हो या कोई इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियो देख रहे हो उस पर भी अप्लाई कर सकते हो देन सेकेंड पॉइंट है विजुअलाइजेशन मतलब जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जिसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हो तो उसे इमेजिन करने की कोशिश किया करो बिना पेन एंड पेपर के एक मेंटल इमेज क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए आपको आईदर इन 2D और 3D डी ड मैटर एंड ये हैबिट आपको हेल्प करेगा किसी भी कॉन्सेप्ट को लॉजिकली समझने में कॉम्प्लेक्स चीजों को ब्रेक डाउन करने में longटम यादरखhneமி, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फास्टली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो पायलट प्रोफेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि कोई भी टास्क परफेक्टली एग्जीक्यूट करने के लिए पहले आपको उसे समझना जरूरी है एंड इस तरह के अप्रोच से आप उसके आउटपुट को भी एनालाइज कर सकते हो कि क्या एग्जीक्यूट करने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इन एडिशन ये आपको रीजनिंग एंड मेंटल एप्टीट्यूड क्वेश्चन सोल्व करने में भी हेल्प करेगा जो वर्ल्ड वाइड सभी एयरलाइन सिलेक्शन प्रोसेस में पूछा जाता है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्लेइंग गेम्स जो आज के डेट में आप किसी भी डिवाइस में खेल सकते हो लाइक योर पीसी टैब फोन एक्स बॉक्स प्ले स्टेशन और खेलो जिसमें मेंटल कैलकुलेशन प्लस फिजिकल मूवमेंट हो दैट इज योर साइकोमोटर स्किल एंड डिपेंडिंग अपॉन योर रेंज ऑफ मसल मूवमेंट ये भी टू टाइप्स में डिफाइंड है फर्स्ट है फाइन मोटर स्किल जिसमें सिर्फ हैंड्स एंड फिंगर्स इन्वॉल्व रहता है जैसे स्केचिंग पेंटिंग टाइपिंग ये सब इसमें आ जाता है एंड सेकेंड है ग्रॉस मोटर स्किल जिसमें हैवी फिजिकल एक्टिविटी आ जाता है लाइक रनिंग जंपिंग डांसिंग किसी भी तरह का स्टंट करना ये सब इसमें आ जाता है तो ये ऑब्वियस है कि फ्लाइंग में आपको फाइन के लिए काम आने वाला है इसीलिए आप कोशिश करो कि मिशन गेम्स या मैथ्स और एनी पजल रिलेटेड गेम्स भी खेल सकते हो एंड रेगुलरली अगर आप ये गेम खेलते रहोगे प्रैक्टिस करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली ये टू स्किल्स आपका शार्प होता जाएगा क्योंकि किसी भी गेम में बहुत सारे पैरामीटर्स इन्वॉल्व रहते हैं लाइक like मैप्स स इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन जिससे आप बहुत सारे सेक्शन को हिट कर सकते हो जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी फोकस हैंड आई कोऑर्डिनेशन, स्पीड मल्टीटास्किंग, टाइम मैनेजमेंट ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग इसमें कवर हो जाता है एंड ट्रस्ट में अगर आप गेम खेलने में एक्सपर्ट हो तो किसी भी तरह का पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट आप आसानी से क्लियर कर सकते हो वन गो में क्योंकि वो आपके लिए सिर्फ एक गेम की तरह रहेगा ना कि टेस्ट देन नेक्स्ट ऑप्शन के लिए आपको थोड़ा पे करना होगा दैट इज फॉर फ्लाइट गेम्स लाइक एफ एस एक्स एक्सप्लेन एंड अदर सॉफ्टवेयर लाइक स्काई टेस्ट और एनी अदर एंड कुछ वेबसाइट्स में आपको ये सॉफ्टवेयर फ्री में मिल सकता है लेकिन स्टिल आपको कंट्रोल्स के लिए एक जॉयस्टिक परचेस करना होगा कुछ इस तरह का यह है लॉजी का एक्सट्रीम 3d pro stick जो मेरे ओपिनियन में एक अच्छा जॉयस्टिक है बजट में और आपको यह ऑनलाइन मिल जाएगा 2500 थाउजेंड के आसपास एंड इसका डिजाइन एय साइड स्टिक की तरह ही है हो सकता है कि यह आपको योग स्टाइल में भी मिल जाए दूसरी कंपनी में जैसा बोइंग में रहता है तो वो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देख लीजिएगा प्लस अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है तो आप रडर अडल्स थ्रस्ट सिस्टम एंड अदर कंट्रोल भी ले सकते हो एंड जब भी आपका मन करे आप सीरियसली प्रैक्टिस कर सकते हो लाइक अ प्रोफेशनल बट द ओनली थिंग इज की आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए ऑपरेशन का and last point of fitness जो फ्लाइंग प्रोफेशन में कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको ऑलरेडी पता है एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो भी पर्सन रेगुलर एक्सरसाइज करता है प्रॉपर डाइट एंड स्लीप पैटर्न फॉलो करता है उसका ओवरऑल ब्रेन फंक्शनिंग एंड रिफ्लेक्स काफी शार्प रहता है कंपेयर टू अ पर्सन जो फिजिकली इनएक्टिव हो या लेजी हो तो ये था इन स्किल्स के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू एंड इम्प्रूव करने के कुछ प्रैक्टिकल वेस बेस्ड अपॉन माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन एंड आप भी इसे ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा थैंक्स उट फॉर वॉचिंग मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक स्टे फिट कीप लर्निंग एंड टेक केयर